उत्तर प्रदेश के ठाकुर द्वारा में एक सिरफिरे जल्लाद पिता ने रात में सोते समय अपने चार बच्चों पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे तीन बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए काशीपुर के निजी अस्पताल में भेज दिया गया है और एक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है, जबकि पुलिस आरोपी पिता की तलाश कर रही है। रात को 12 बजे के करीब हमारे हॉस्पिटल में, श्री कृष्णा अस्पताल में काशीपुर में, तीन बच्चे आए थे जिनका नाम आकाश, शिवानी और सलोनी है। आकाश की उम्र 10 साल है, शिवानी की 17 साल है और सलोनी की 19 साल है। इन तीनों ही बच्चों को जो बताया गया है इनके परिजनों द्वारा कि कोई धारदार वस्तु से किसी व्यक्ति ने इन पे कोई हमला किया है, जिसमें आकाश और सलोनी दोनों के ही पेट में गंभीर चोटें हैं, जिसमें उनकी आंतें पेट से बाहर आ गई थी और आंतों में भी चोटें लगी हैं, और शिवानी जो है उसके पैर में खून की नस फटी है। शिवानी तो खतरे से बाहर है, लेकिन आकाश और सलोनी दो जो बच्चे हैं जिनकी आंतों में चोट हैं और जिनके पेट की आंतें बाहर आ गई थी, वो दोनों अभी गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी ऑपरेशन के बाद भी अभी अवस्था गंभीर है।